Good morning, students. As you know, in the last session, we discussed about the SN reactions. Okay, so that is called as a nucleophilic substitution reactions. So today we will discuss about that is how the SN reactions has been carried out. Actually, there is another one kind of a reaction, that is beta elimination, is also there. So we will discuss this later after this SN reactions. Okay. So we will discuss right now that is of SN reaction mechanism. Means what? If suppose I am having any kind of a nucleophilic substitution reaction, how does it works? When any alkyl halide has been attacked by the nucleophile, how the nucleophile that has attached on the alkyl halide so that it replaces the halogen. Okay, fine. So in the SN reaction, what we generally it is considered as what? Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Okay. So this SN reaction basically it is of two types. What we are having a reaction, it is actually of two types. The very first reaction, it is generally represented as a, like this, that is called SN1 reaction, and the second one, it is called as a SN2 type of reaction. What exactly the SN1? It is nothing but what? It is unimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, and what about this one? So it is SN2, it is considered as a bimolecular nucleophilic substitution reaction. So SN reactions are of actually two types. ऐसे नहीं होता है कि कोई भी nucleophile attack कर ले and all the reactions they have been goes with the same type of mechanisms. Okay, एक जैसा होगा, जैसे हमारे पास में बहुत सारे, जैसे हमारे पास में जैसे हमने RX के साथ में हमने सब्सटीट्यूट जब किया, तो सब्सटीट्यूट करते वक्त हमने सबसे पहले किससे सब्सटीट्यूट किया था? OH निगेटिव, है ना, बाय यूजिंग NaOH एंड KOH. उसके बाद में हमने उसको कैसे सब्सटीट्यूट किया था? Cl निगेटिव. आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस अबाउट दैट वन कि इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय OR निगेटिव, ईथर बना दिया था. उसके बाद में उसने सब्सटीट्यूट कर दिया था दैट इज ऑफ COO, दैट इज ऑफ RCOO निगेटिव से हमने सब्सटीट्यूट करके देखा था. So these are all type of reactions, generally what we are having a SN type of reactions. लेकिन अब इनमें ये दो चीजें क्यों आती है? Why they are having a this kind of a classification SN1 and SN2? देखो कैसे होता है कि जब हम किसी भी अल्किल हलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ RX, तो रिएक्टिविटी ऑफ RX में अगर हम कंसिडर करते हैं कि फॉर अ गिवन दैट इज हैलोजन, मतलब हैलोजन हमारे पास में फिक्स है, तो जैसे मैंने अगर यहां पर इस तरह से लिख लिया कि दैट इज ऑफ CH3 दिया, देन द नेक्स्ट वन इट इज ऑफ CH3, देन CH3 CH एंड दिस इज ऑफ Br, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल गो फॉर दिस वन CH3, दिस इज ऑफ CH3 एंड Br. ठीक है, तो फॉर द गिवन हैलोजन, जैसे ब्रोमीन हमारे पास में कॉमन है, लेकिन जब हम लोग अल्किल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो अल्किल ग्रुप हमेशा एक ही नहीं होगा, अल्किल ग्रुप तो डिफरेंट होते हैं. अल्किल ग्रुप में देखो, जैसे हमने यहाँ पर कैसा ले लिया, दैट इज मिथिल है, दैट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है ना. तो यहाँ पर हम लोग ये इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये कौन सा है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और ये कौन सा है टर्शियरी अल्किल हैलाइड. देखो टाइप्स ऑफ अल्किल हैलाइड में हमने देखा था दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज अ टर्शियरी अल्किल हैलाइड. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, थोड़ा सा कंपोजिशन बदल रहा है, तो नेचुरली उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बदलेगी. ठीक है, सो दैट वाज एक्चुअली द बेसिक आइडिया अबाउट दिस वन कि व्हाई नॉट ऑल दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दे फॉलो ओनली अ SN1, व्हाई दे अंडरगो आइदर ऑफ SN रिएक्शन, व्हाई दे अंडरगो SN1 एंड SN2. मतलब ये तीनों ने कौन सी रिएक्शन को फॉलो करना था, एक्चुअली कॉमनली SN रिएक्शन. चलो ठीक है, SN रिएक्शन तो वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब ये जिस तरह से SN रिएक्शन फॉलो कर रहा है, उसी तरह से क्या ये भी SN रिएक्शन फॉलो कर रहा है, ये भी उसी तरह से फॉलो कर रहा है, तो एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो नहीं. ओके, तो ये जो पर्टिकुलरली तीन कंपाउंड हमने लिए,
किए हैं अलग अलग. सो ऑल दीज थ्री दे डू नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल इन द सिमिलर मैनर फॉर द SN रिएक्शन बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी. ठीक है, तो इसमें अब रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि जैसे कि अगर सपोज यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन और हेलोजन में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, इट इज अ पोलर बॉन्ड. सो नेचुरली अगर मैंने हर बार इसमें से Br को निकाल दिया, ठीक है, तो यहां से जब Br को निकालूंगा तो यहाँ पे जो कार्बन बनेगा ये बनेगा C पॉजिटिव, यहां पर भी जो कार्बन बनेगा ये भी कैसे बनेगा, इट इज अ C पॉजिटिव, दिस इज ऑफ C पॉजिटिव. अब थोड़ा सा ध्यान से मुझे बताओ कि यहाँ पे जो बनने वाले C पॉजिटिव है ऑल दे आर सेम टाइप, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है ये कार्बन किस तरह का बन रहा है, ये बन रहा है प्राइमरी, ये कैसे बन रहा है, देखो ये कार्बन पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पे दो कार्बन है तो नेचुरली ये बनेगा सेकेंडरी और ये कौन से बनेगा टर्शियरी बनेगा. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज व्हाट इट इज द प्राइमरी कार्बो कैटायन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बो कैटायन एंड दिस इज व्हाट टर्शियरी कार्बो कैटायन. ओके, अब जब मैं इस Br को बाहर निकालता हूं उसके बाद में जो बनने वाला C पॉजिटिव C पॉजिटिव C पॉजिटिव है ये इन तीनों के C पॉजिटिव की जो स्टेबिलिटी है वो अलग अलग है. हमें पता है दैट इज टर्शियरी कार्बो कैटायन इट इज ग्रेटर स्टेबल कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बो कैटायन कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बो कैटायन. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं Br निगेटिव निकाल देता हूँ और C पॉजिटिव बन भी जाता है तो इसे जो अटैच तीन CH3 ग्रुप है ये तीन CH3 ग्रुप यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से या फिर प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पर इस कार्बो कैटायन को क्या दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं. कंपेयर टू दिस वन इसमें कितने ग्रुप है, दो ही है, तो नेचुरली इसकी जो स्टेबिलिटी बनेगी, मतलब मैंने यहाँ पर अगर ऐसे इस तरह से लिख लिया दैट इज ऑफ CH3 CH3 तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, तो नेचुरली इसके मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी. और यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं है, तो नेचुरली इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, है ना. अब ये स्टेबिलिटी कम रहेगी या इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे आता है, रिएक्टिविटी पे. कैसे, देखो अब अगर समझो ये Br मैंने यहां से निकाल दिया तो क्या बनेगा, C प्लस. ये C प्लस कैसे बन रहा है, अनस्टेबल. तो ये C प्लस अगर अनस्टेबल बनता है बाय द लॉस ऑफ Br तो ये Br और C का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि Br और C का बॉन्ड अगर यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया तो ये C पॉजिटिव क्या बन रहा है, अनस्टेबल. तो कोई भी कंपाउंड में कोई भी मॉलिक्यूल में ये जनरली होता नहीं है कि कोई आइटम क्या बने, अनस्टेबल बनता जाए. ठीक है, तो नेचुरली यहाँ पे क्या होगा, ये आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा जब तक उसे कंफर्टेबल कंडीशन नहीं मिलती है. लेकिन अगर हम थर्ड केस को डिस्कस करते हैं तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, अगर इसने Br निगेटिव को छोड़ भी दिया या फिर ये बॉन्ड को हमने ब्रेक कर भी लिया तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में जो C पॉजिटिव बनेगा वो C पॉजिटिव कैसे बनता है, स्टेबल बनता है. इसका मतलब Br को बॉन्ड ब्रेक कर Br का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में भी C पॉजिटिव को स्टेबिलिटी मिलती है. तो ये C आसानी से Br को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, क्योंकि C पॉजिटिव को बाय द प्लस आयन इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से क्या मिल रही है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है. Is that okay? तो यहां से हमें पता चल जाता है कि कौन से अल्किल हैलाइड्स आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे. टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में जो सी पॉजिटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, स्टेबल. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है Br निगेटिव को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, टर्शियरी के बाद में दूसरी स्टेबिलिटी किसकी बनती है, सेकेंडरी. तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और उसके बाद में कौन आएगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द सेकेंडरी अल्किल हैलाइड कंपेयर टू द प्राइमरी अल्किल हैलाइड. देखो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी हम लोग कंसीडर करेंगे वो तीनों पर्टिकुलरली हैलाइड्स की, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कैसी है, डिफरेंट है, तो नेचुरली वो एक ही ट्रैक वाला SN रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा. इसीलिए बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन वी कैन हैव द SN रिएक्शन फॉर द अल्किल हैलाइड इट इज ऑफ टू टाइप्स, विच वन SN1 और दूसरा कौन सा SN2. ठीक है, ये ध्यान में आ गया कि भाई दिस इज फॉलो द SN1 एंड SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि तीनों टाइप के अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसे होती है, अलग अलग होती है. तो नेचुरली कोई SN1 फॉलो करेगा तो दूसरा SN2 फॉलो करेगा. इज दैट ओके. ठीक है, तो इसमें ये चीज समझने वाली है. ठीक है, अगर आपको कोई पूछ लेता है या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट एग्जैक्टली द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्किल हैलाइड्स,
तो फॉर अ गिवन हैलाइड, मतलब जिसमें हैलोजन कैसा है कॉमन है, तो गिवन हैलाइड में हम लोग किसको फोकस करेंगे, अल्किल ग्रुप को फोकस करेंगे, जो प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शियरी उस चीज को हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि व्हाट एग्जैक्टली द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड फॉर डिफरेंट हैलोजन्स फॉर गिवन अल्किल ग्रुप, ऐसे कह सकते हैं, तो इसमें आर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो आर एफ लिख लिया मैंने, आर सी एल लिख लिया, फिर आर बी आर लिख लिया और आर आई लिख लिया। तो इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रहेगी, आर आई। क्यों आर आई की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों रहेगी, क्योंकि हमने बताया था इन दोनों में जो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड होता है वो सबसे बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण वो आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, तो नेचुरली वो आसानी से रिएक्टिव फॉर्म में रह सकता है। आर एफ का बॉन्ड कैसे होता है, शॉर्ट होता है, तो वो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है, तो नेचुरली रिएक्शन में वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट आर एफ इट इज लेस, देखो आर मैंने कॉमन लिख लिया, यहाँ पे कौन रहेगा, सी एस सी, आर आर आर, सब आर कौन से है, सी एस सी है, अल्किल ग्रुप नहीं बदलना है। अल्किल ग्रुप अगर कॉमन है और हैलोजन अगर बदलते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, आर आई की। अल्किल ग्रुप अगर अलग अलग है और हैलोजन अगर सेम है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली सीक्वेंस बनेगा हमारे पास, आर एफ इट इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू आर सी एल कंपेयर टू आर बी आर कंपेयर टू द आर आई। ठीक है, तो इसे नोट करना है आपको। ठीक है, सो दैट इज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स, ये जो है ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये कोई किसके लिए लिख रहे हो, रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स फॉर गिवन हैलाइड। गिवन हैलाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्स कैसे रहेगा, सेम रहेगा, अल्किल ग्रुप क्या होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखी है वो किस लिए लिखी है, दैट रिएक्टिविटी ऑर्डर इट इज गिवन फॉर इट इज फॉर गिवन अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप सेम रहेगा, हैलोजन बदलेगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलो ठीक है, हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं एसएन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ एसएन वन मैकेनिज्म, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है तो थोड़ा ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, सो वी गो विद एसएन1 मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 का मतलब क्या बताया मैंने अभी, SN1 का मतलब क्या बताया, वन माने क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, N S फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पहले, दैट एग्जांपल इट इज डायरेक्टली आई विल गिवन एट लाइक दिस, इट इज ऑफ CH3 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 एंड दिस इज ऑफ Br। अभी देखो ये कौन सा वाला है, टर्शियरी है ना, इट इज कंसिडर्ड एज ए टर्शियरी अल्किल हैलाइड, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। और इसकी रिएक्शन में सपोज कर लेता हूं KOH से, और KOH कैसे ले लिया मैंने, एक्वियस। चलो ठीक है, आइडेंटिफाई करो रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद एक्वियस KOH का मतलब क्या हो गया, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, OH किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3/3 This is COH, और यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, This is of KBr, This is the first reaction, chemical reaction, what we taken in the last session, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक्चुअली रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे कह देते हैं दैट इज ऑफ सबस्ट्रेट, और ये क्या रहेगा इसका रिएजेंट, ये क्या रहेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसे SN1 रिएक्शन जो है ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब ये जो हम लोग यूनिमोलिकुलर जो बोल रहे हैं, ये यूनिमोलिकुलर का मतलब कैसे है। ठीक है, अब इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस चैप्टर, एक्चुअली दिस इज कम्प्लीटली अ कंसेप्ट, इट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जनरली रेट ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेक करते वक्त हम जनरली उसका जो स्पीड होता है, मतलब कितने फास्ट होने वाली है, कितनी स्लो होने वाली है, किस पे डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पे जैसे हमने दो पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड लिए है, तो ये जो रिएक्शन का स्पीड होता है ना, ये इसको इसमें कन्वर्ट करने का जो स्पीड होता है, वो स्पीड जो है वो इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कंसिडर किया जाता है कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है या फिर किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है देखो कैसे, कि जैसे अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिख लेता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट
ओनली, ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सबस्ट्रेट ओनली, मतलब यहां पे क्या होगा कि इस रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, अल्किल हैलाइड पे। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और हम लोग हैलो अल्केन के बारे में सोच रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अल्किल हैलाइड कौन है हमारे पास में, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं टर्शियरी ब्यूटिल दैट इज ऑफ ब्रोमाइड, इस तरह से इसको इस तरह से लिखा जा सकता है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ क्या किया, अल्किल हैलाइड को। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बताया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कोई भी अगर समझो मॉलिक्यूल आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया होगा रेट के कंपैरिजन में, तो जनरली इट इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जब पर्टिकुलरली हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, सिर्फ और सिर्फ अल्किल हैलाइड। इसको आगे चल के हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर निकाल देते हैं तो K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब मैं अल्किल हैलाइड लिख लेता हूं यहाँ पे कौन सा है CH3 by 3 C, दिस इज ऑफ Br। ठीक है, और ये जो K है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी हैव टेकन द टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो SNL रिएक्शन जो है वो टर्शियरी अल्किल हैलाइड जनरली फॉलो करते हैं, वो रीजन भी हमें मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा, लेकिन जनरली ध्यान में रखना है कि SN1 रिएक्शन जनरली फॉलोड बाय विच टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड, टर्शियरी, जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेने के बाद में उसका मैंने जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, दैट इज ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, और आसानी से यहाँ पर Br रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया OH। ठीक है, तो उसमें मैंने एक पॉइंट ये लिख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगी, KOH पे वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड ओनली, नॉट दिस KOH। ठीक है, फाइन, तो आफ्टरवर्ड्स K into दैट इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, तो K को मैंने क्या बता दिया, रेट कांस्टेंट बता दिया। ठीक है, रेट कांस्टेंट बता दिया। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली पर्टिकुलरली व्हाट वी जनरली कंसीडर इट इज ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब ठीक है, अब रेट फेज है, हम लोग ये भी बता सकते हैं कि वेदर इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये केमिकल कैनेटिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट आता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो पर्टिकुलर रेस्ट टू द पावर होता है, ये रेस्ट टू द पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसीलिए ये भी चीज ध्यान में रखो कि दिस इज जनरली कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर्ड रिएक्शन, SN1 रिएक्शंस आर जनरली कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर को हम लोग और एक बार डिफाइन करेंगे जब राइट नाउ व्हेन वी गो विद द एक्चुअल मैकेनिज्म। ठीक है, सो राइट नाउ वी विल गो विद द मैकेनिज्म होता कैसे है। ठीक है, सो ध्यान में रखना है कि ये जो मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप में होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमें करनी होती है तो हर केमिकल रिएक्शन में पुराने वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है और नए वाले बॉन्ड्स को फॉर्म करना होता है, बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराना वाला बॉन्ड है वो कौन सा है, CBr वाला बॉन्ड है ना, और इसे हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ये हम ब्रेक करेंगे तभी जाके क्या होगा, Br की जगह पे कौन अटैच हो सकता है, OH। इस तरह ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जनरली हमारे पास में प्रोसेस में 2 चीजें होगी, एक क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ओल्ड वाला, जो पुराना वाला बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है और नए वाले बॉन्ड को क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में जनरली हमारे पास में ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, और दूसरा क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये पहला और ये दूसरा प्रोसेस है। अगर मैं समझो इसमें इस तरह से लिख लेता हूं CH3C, दिस इज ऑफ CH3CH3 एंड दिस इज ऑफ Br, तो पहले क्या होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस होती है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस, इसमें जनरली ये स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस है, व्हाई दिस इज सो, क्योंकि एक ऐसे भी हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं,
अरे ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब स्टेबल मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आयन में कन्वर्ट होगा, आयन में कन्वर्ट होगा तो वो क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो अनस्टेबल बन ही जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, स्टेबल मॉलिक्यूल में से बॉन्ड ब्रेक करके उसको क्या कर रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो। तो इस चीज के लिए जनरली वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, स्लोली रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। लेकिन अनस्टेबल अगर है और वो स्टेबल बन रहा है तो उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करेगा, फास्ट, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए। तो नेचुरली यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है, ये स्लो प्रोसेस होती है, जिसे हम लोग स्टेप वन कहते हैं, ठीक है। अब समझो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो सही में ये सीबीआर बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो पाएगा, या फिर ये सीबीआर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे OH निगेटिव, अभी यहाँ पे KOH लिखा है ना मैंने, तो उसमें से हम लोग एक्चुअली कौन यूज कर रहे हैं, OH यूज कर रहे हैं। तो OH निगेटिव भी वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये कौन सी स्टेप बनी, स्लो स्टेप, ये बनी स्टेप वन बन गई, ठीक है। अब ये स्लो स्टेप वन में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए सही में OH की जरूरत है या नहीं है, देखो अगर समझो ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, C, दिस इज ऑफ CH3, दिस इज अगेन CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, C पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये C पॉजिटिव को इमीडिएटली OH अटैच होना जरूरी बनता है, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर CBr बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर लेते, CBr बॉन्ड अगर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो CBr बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है, इट्स अ स्टेबल, वो स्टेबल है, पूरा स्टेबल नहीं है लेकिन मैक्सिममली इट इज अ स्टेबल वन। और ये स्टेबल होने के कारण यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज नो नेसेसिटी टू प्रेजेंट ओवर देयर एज अ OH निगेटिव, OH ने इमीडिएटली यहाँ पे बॉन्ड बनाकर ऐसी कोई कंडीशन वहां पे नहीं बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रहेगा, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। और पहले स्टेप में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, पहली स्टेप ये बनी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख ही लेता हूं, दैट इज व्हाट स्टेप वन, ठीक है। तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, सी पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और ये सी पॉजिटिव जो है, ये सी पॉजिटिव कैसे हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। अब देखो ये जो स्लो स्टेप होती है इसको ही जनरली कहा जाता है RDS, इसको ध्यान में रखना, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में काफी हेल्प करेगा। RDS का मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। देखो मैंने अभी बताया रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था हमने यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं फिर से, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे से बता सकते हैं, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो वाली। देखो कोई भी रिएक्शन में दो तीन स्टेप में मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन दो तीन स्टेप में जो स्टेप कैसे रहेगी, स्लो, जो स्टेप स्लो रहेगी, तीन चार जो भी स्टेप्स हैं उन सारी, अब इसमें मैंने दो स्टेप लिखी, तो दो स्टेप में से जो स्टेप कैसे रहेगी, स्लो रहेगी, वो स्लो स्टेप को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। और इसी रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे बताओ कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में यहां पर पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग के स्टेप में यहां पर दोनों अवेलेबल है, अल्किल हैलाइड और ये जो KOH लिया ये दोनों अवेलेबल है, नहीं, कौन अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, मतलब अल्किल हैलाइड अवेलेबल है। इसका मतलब रेट जो है वो रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, That is of alkyl halide पे डिपेंड कर रहा है। और इसका रीजन भी मैंने बताया कि स्लो स्टेप में जब ये अल्किल हैलाइड ब्रेक होता है तो यहाँ पे C पॉजिटिव कैसे बनता है, स्टेबल बनता है, तो यहाँ पे OH प्रेजेंट होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को हमने ब्रेक कर लिया स्लो स्टेप में, दैट इज कॉल्ड एज RDS, और इसे कन्वर्ट कर लिया हमने C पॉजिटिव में। इसको मैं लिखता हूं ब्रैकेट में, इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये अनस्टेबल है। देखो हर पर्टिकुलर पोजीशन पे या लोकेशन पे ब्रैकेट का मीनिंग बदलेगा, जैसे यहाँ पे जो ब्रैकेट का मीनिंग है वो कैसा है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, यहाँ पे रेट के हिसाब से लिखा है तो ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या बना, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये क्या है, ये अनस्टेबल है, एंड ये अनस्टेबल इसे हम लोग कुछ नाम देते थे, इसे जनरली कहा जाता है इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक कर लिया तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में जो बनता है इसे जनरली इंटरमीडिएट कहा जाता है, जो कि आफ्टरवर्ड्स सेकंड स्टेप में इमीडिएटली काय में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। मतलब देखो यहां से यहां में कन्वर्ट हो गया, यहां से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ये बन रहा है,
तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट, कैसे भी ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये होता है इंटरमीडिएट, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है अनस्टेबल, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको और एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारे पास में सबस्ट्रेट है, या फिर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कहां में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते वक्त रिएक्टेंट को इस फेज में से गुजरना होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन, मतलब यहां से यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बीन कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट। इसको और एक नाम दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये भी एक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है कि वहां पर जो पर्टिकुलर उसकी एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा बन जाती है नेचुरली, वो अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी, चलो ठीक है। अब सेकेंडली व्हाई दिस इज अ स्टेबल, ये स्टेबल क्यों बनता है, तो इसकी दो रीजन बनते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर के बारे में सोचे, तो ये सी पॉजिटिव जो है, ये सी पॉजिटिव यहां पर CH3 और दिस इज CH3 एंड दिस इज व्हाट पॉजिटिव। मैंने आपको दो रीजंस बताए थे, एक कौन सा वाला कि ये जो CH3 ग्रुप होता है ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। तो ऐसे इसके पास में कितने हैं, तीन है, CH3 तीन है, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर सी पॉजिटिव को अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा वाला इफेक्ट काम करेगा, प्लस का इफेक्ट काम करेगा, ये पहला रीजन होगा उसका। दूसरा रीजन ये है कि हमने और एक इफेक्ट सीखा है जिसमें क्या बताया गया था, देखो कि जैसे एक सपोज मेरे पास में यहाँ पर एच है, ठीक है, तो ये एच क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा तो ये सी क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे हर एच अगर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोगों ने कौन सा बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे तीन एच है तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, यहाँ पे तो 9 हाइड्रोजन्स बन रहे हैं, तो नेचुरली यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा, और दैट इज अ प्रीडोमिनेंट। इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा प्रीडोमिनेंट इफेक्ट कौन सा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और वो उसमें बहुत ज्यादा है। सो नेचुरली ये सी पॉजिटिव क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो व्हाई दिस टर्शियरी कार्बोकेटायन इट इज स्टेबल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर व्हिच इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एंड दैट इज व्हाई बाय द प्लस आई इफेक्ट एंड सेकेंडली बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये सी पॉजिटिव क्या बन सकता है, स्टेबल बन सकता है। अब इसमें और एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि यहाँ पर तो तीन तीन CH3 ग्रुप है, इतने बड़े ग्रुप है जो कि वहां पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, बल्किनेस क्रिएट कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो कि C पॉजिटिव पे तीन CH3 ग्रुप है, तीनों CH3 ग्रुप वहां पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, बल्किनेस। बल्किनेस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल कर सकते हैं। रिपल्शन अगर बढ़ता है तो रिपल्शन बढ़ने के कारण वहां पे मॉलिक्यूल में क्या बढ़ जाती है, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी हमने इसे कैसे कह दिया, इट इज अ क्वाइट स्टेबल। तो इसका रीजन ये बनता है कि ये जो सी पॉजिटिव है, ये सी पॉजिटिव कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आता है, देखो ये बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। देखो यहाँ पे ये चार सिंगल बॉन्ड sp3, यहाँ पे तीन सिंगल बॉन्ड, ये क्या बना sp2। sp2 में जनरली स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनर की वजह से ये जो CH3 बन रहे हैं, ये CH3 दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री ऑफ बॉन्ड एंगल, सो अकोमोडेट हो सकते हैं, कंफर्टेबली वो अकोमोडेट हो सकते हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर, जिसकी वजह से उनमें जो रिपल्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो इवन दो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ बल्किनेस बिकॉज ऑफ दैट ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ दिस सी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द CH3 दे आर कंफर्टेबली अकोमोडेट इन द प्लेन, वो जो प्लेन होता है ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल के प्लेन में वो अकोमोडेट हो सकते हैं, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर बल्किनेस की वजह से जो अनस्टेबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चलो ठीक है। अब आगे इसको मैं ठीक है ये इसे ड्रॉ करते वक्त इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि और आसान हो जाए हमारे पास, उसकी इमेज हमेशा बनी रहे कि दैट इज एक्चुअली इट इज इन विच हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखो
अब इसे किसमें कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। अल्कोहल में अगर कन्वर्ट करना है तो ये जो सेकंड स्टेप रहेगी, सेकंड स्टेप माने कौन सी स्टेप होगी, सेकंड स्टेप माने होगी बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्टेप। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाली स्टेप है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसका अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होगा किसका, OH नेगेटिव, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कंसीडर्ड न्यूक्लियोफाइल। और ये जो अटैक होगा इस पे वो कैसे होगा, वेरी फास्ट। व्हाई, बिकॉज सी पॉजिटिव को अगर OH नेगेटिव मिल जाता है तो वो काइंड में कन्वर्ट होगा, स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो नेचुरली इसका जो स्पीड रहेगा ये स्टेप का वो कैसा रहेगा, वेरी फास्ट रहेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखो मैं बॉन्ड बना लेता हूँ, और बॉन्ड बनाने के बाद में मैं एक प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, दैट इज ऑफ CH3, 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 और यहाँ पे क्या बन गया OH, ये कौन बन गया, यहाँ पे ये बन गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइन नहीं कर पाती क्योंकि इट्स वेरी फास्ट होती है, तो उसमें रेट डिटरमाइन करना कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। स्लो स्टेप में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, और रेट जब डिटरमाइन करेंगे तो तभी बता पाएंगे कि जो स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, OH नेगेटिव तो है ही नहीं, पहले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल होने के कारण इसे हमने क्या बता दिया था, दिस इज व्हाट जनरली कंसीडर्ड एज अ व्हाट, यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, SN1 का मतलब क्या होता है, यूनी मॉलिक्यूलर, है ना, ये होता है यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, थोड़ा सा जब हम लोग पहली बार सीखते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हम उसको रिवाइज करें तो बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे, अब हम उसको रिवाइज करके देखते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि SN1 मैकेनिज्म कैसा है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें जनरली SN1 मैकेनिज्म कौन देता है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स देते हैं। तो उसमें एग्जांपल में हमने क्या कर दिया, टर्शियरी अल्किल हैलाइड का जो हैलाइड था मतलब हैलोजन था उसको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, OH से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर हम लोग जाते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में दो चीजें होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड फॉर्म होगा। पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि नया बॉन्ड अगर बनाएंगे तो पुराने वाले को ब्रेक करना होगा, तो पुराना वाला बॉन्ड कौन सा हमारे पास में, CBR। अब ये CBR बॉन्ड को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो प्रोसेस कैसे हो जाएगी, स्लो होने के कारण उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे न्यूक्लियोफाइल यहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं है, क्यों, क्योंकि CBR का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां पे बनने वाला सी पॉजिटिव कैसे रहेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन रहेगा, जो किस इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, प्लस आई इफेक्ट। देखो जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के दो है, माइनस आई प्लस आई, यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। दूसरा इफेक्ट कौन सा काम कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम कर रहा है। तो दोनों इफेक्ट की वजह से ये सी पॉजिटिव कैसे बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। ठीक है, फाइन, तो दैट इज द स्लो स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर CBR बॉन्ड हैज बीन ब्रेक एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कार्बोकैटायन। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ से क्या निकल गया, Br निगेटिव निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे Br निगेटिव यहाँ से निकल रहा है, तो इसे हमने नाम दे दिया। देखो ये इंटरमीडिएट है, अब इस पे से पता चल जाएगा कि इंटरमीडिएट है। देखो ये दोनों के बीच में है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में है, तो इसे क्या बोल दिया, इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में से ये गुजर रहा है तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट, मतलब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट, इसमें से गुजरना होगा। और तीसरा इसे कह दिया हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से भी इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ये कैसा है, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, चार्ज है। ठीक है, फाइन, लेकिन यहाँ पे जब हमने बताया कि इसमें OH की जरूरत नहीं है तो इसका रीजन क्या बना है हमने, ये पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, ये, हाँ ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर लेता हूँ फिर से एक बार कि ये कौन से पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जो कि बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, sp2 मतलब कौन सी ज्योमेट्री होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब इस तरह से होगा कि यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा और यहाँ पर CH3 रहेगा। ठीक है, ये डॉटेड लाइन होती है, इसमें बॉन्ड्स नहीं है, इट इज अ ज्योमेट्री। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से होगा और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, सी पॉजिटिव, ये सी पॉजिटिव के बॉन्ड्स इसके साथ रहेंगे, है ना।
तो ये बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है इस प्लेन में ये तीनों के तीनों सीएसी कंफर्टेबली अकोमोडेट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया एक्सप्लेनेशन फॉर द सी पॉजिटिव के बारे में। अब सी पॉजिटिव पे क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप में बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो बॉन्ड फॉर्मेशन की स्टेप कौन से है, सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में बॉन्ड जो बनेगा तो वो फास्टली बन जाएगा और इस डिग्री भी इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये मैकेनिज्म खत्म नहीं होता है। इसमें और एक की पॉइंट बाकी है, लेकिन यहाँ तक अगर सही में समझ में आ गया है तो इसे नोट कर लो पहले तो। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे जाएंगे कि ये OH नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा तो सेल में प्रोडक्ट में क्या चेंजेस दिखाई देंगे। ये तो होने वाला है कि OH इसके साथ कंबाइन होकर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कि स्टेज सेकंड में जब ये अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ऐसा ही दिखेगा या फिर और कुछ चेंजेस है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा ड्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ जगह बना लेता हूँ ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। ओके ठीक है, मैकेनिज्म वैसा ही है। ठीक है, अब हम इस पे एक्सप्लेनेशन देते हैं थोड़ा सा कि ये जब इस पे अटैक करेगा OH नेगेटिव जब अटैक करेगा ना इस पे तो फिर क्या होगा। देखो मैंने यहाँ पे ये बना लिया C दैट इज ऑफ CH3 एंड CH3। ठीक है, हमें पता होता है कि हर पर्टिकुलर जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूल होता है एक ज्योमेट्री होती है उसकी। ठीक है, एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर चेक कर लिया तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनी, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन के आजू बाजू में जो स्पेस अवेलेबल है इस स्पेस में ये CH3 और BR क्या हो गए, लोकेट हो गए, तो उनकी पोजिशन एक तरह से फिक्स हो गई। इसका मतलब BR की पोजिशन कार्बन के सराउंडिंग में कैसी है, फिक्स है। चलो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं तो BR की पोजिशन कहां पर है, राइट हैंड साइड में है। अभी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल में वो अलग से दिखाई देगा। तो BR की पोजिशन सपोज राइट हैंड साइड में है इनिशियल इसमें ब्रोमाइड में, लेकिन जब ये ब्रोमाइड ब्रेक होने के बाद जब OH अटैक करता है तो OH अटैक करने के बाद में क्या होगा। देखो ये जो C पॉजिटिव है, ये C पॉजिटिव आपका कौन है, ये ट्रांजिशन स्टेट वाला कंपाउंड है। तो ट्रांजिशन स्टेट वाला जो आयन है इसमें अब क्या होने वाला है, OH का अटैक होने वाला है। तो मैं सिंपली आपको बताता हूं कि अगर सपोज मैंने ये वाला कंसिडर कर दिया, ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि ये जो पर्टिकुलरली यहां पर बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से बन रहा है, इट इज ए ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड को अगर हम लोग प्लेन कंसिडर कर लेते हैं तो सारे के सारे CH3 कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन। जैसे कि ये है सपोज, ठीक है, ये एक प्लेन है, तो ये प्लेन में मैंने लिख लिया यहाँ पे दैट इज ऑफ सी पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, तो सी पॉजिटिव लिख लिया तो एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। अब मुझे बताओ कि ये प्लेन था, इस पे सी पॉजिटिव है, प्लेन में सी पॉजिटिव है और प्लेन में ही कौन है, CH3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल पर कंप्लीट स्ट्रक्चर इट इज इन द प्लेन। अब इस पे अटैक कौन करने वाला है, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव जब अटैक करेगा तो OH नेगेटिव यहां से नहीं आ पाएगा, यहां से भी नहीं आ पाएगा, यहां से भी नहीं आ पाएगा, इन द सेंस प्लेन में से वो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्योंकि OH नेगेटिव भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर वगैरह वगैरह। तो CH3 भी तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये CH3 या फिर ये प्लेन में ये दोनों CH3 इसको रिपेल करेंगे इस तरह से। तो इन द लास्ट What we can say it is, कि ये जो OH है ये प्लेन में से तो अटैक नहीं करेगा, प्लेन में से कहीं से भी ये अटैक नहीं करेगा। इसे अगर अटैक करना है तो इसे आउट ऑफ द प्लेन अटैक करना पड़ेगा। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब होता है कि ये अगर प्लेन है तो ये या तो ये साइड से अटैक कर सकता है, ये देखो ये आउट ऑफ द प्लेन अटैक है, या फिर ये साइड से मतलब बैक साइड से ये अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसे मैंने अगर ये प्लेन कंसिडर कर लिया तो ये जो OH है ये OH आउट ऑफ द प्लेन अटैक करेगा। ठीक है ना, जैसे मैंने अगर इसको ये प्लेन कंसीडर कर लिया तो ये प्लेन के हिसाब से ये बना फ्रंट साइड अटैक, ये बना बैक साइड अटैक, ऐसे कैसे भी कंसीडर कर लो। ये मैंने समझो कंसीडर कर लिया ये फ्रंट साइड अटैक है और ये कौन सा है, ये बैक साइड अटैक है या फिर अपोजिट साइड अटैक है। ठीक है, तो इसका मतलब OH को जो अटैक करना है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनी,
पॉसिबिलिटी 50-50% बन गई, ये 50% सामने से भी अटैक कर सकता है, 50% बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 50-50%। जैसे कि अगर ये 50% यहां से अटैक कर सकता है तो 50% यहां से भी अटैक कर सकता है, तो आपके पास में दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कैसे, देखो मैंने अगर स्ट्रक्चर इस तरह से लिख लिया, ये फ्रंट साइड वाला अटैक अगर मैंने कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा, CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज व्हाट, दैट इज व्हाट, OH, ये कार्बन, ठीक है। और ये इसने बैक साइड में अगर अटैक कर लिया तो बैक साइड में अटैक करने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और यहाँ पे क्या बनेगा, OH। अब मुझे एक बात बताओ, इस स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, ये वाला फर्स्ट मैं कंसिडर करता हूँ, ये सेकंड कंसिडर करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को अगर आप एट अ ग्लांस देख लेते हो तो दोनों स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, देख लो एक बार, दोनों स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, द चेंजेस दे आर रिलेटेड विद द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। देखो वो जो OH ग्रुप उसमें आ रहा है वो कहां आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, यहाँ पे कहां आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब C पॉजिटिव पे अटैक होगा तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी, पॉसिबिलिटी दो बनी, जिसकी वजह से OH ये साइड या ये साइड में अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से उसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। चलो ठीक है, अब यही पर अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कैसे, कि यही पर मैंने अगर बता दिया कि इस OH का अटैक मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड के हिसाब से अगर कर लिया तो यहां पर मेरे पास में फाइनली एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखो थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर, कि ये अटैक मैंने लिखा दिया, ये दूसरा अटैक मैंने लिखा दिया, ये OH निगेटिव कहां से जा रहा है, सपोज ये फ्रंट साइड से जा रहा है, ठीक है, और ये OH निगेटिव कहां से जा रहा है, ये कहां से जा रहा है, बैक साइड से जा रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कितनी है, दो है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में देखो, ये जो अटैक होगा ये कैसे होगा, ये होगा फास्ट होगा, और इसको मैंने कौन सी स्टेप बता दिया, सेकंड स्टेप के हिसाब से ये पहला स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरह से बना, CH3, दिस इज व्हाट, OH, और दूसरा स्ट्रक्चर मेरे पास में इस तरह से बना, CH3, दिस इज CH3, देन CH3। ये कितना बन सकता है, ये बन सकता है 50%, ये भी कितना बन सकता है, ये भी बन सकता है 50%, ओके, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ये चीज मुझे एक्सप्लेन करनी थी कि ये तो ठीक है, ये पहले स्टेप में ब्रेक होगा, दूसरे स्टेप में OH का अटैक होगा, ये इतना सिंपली नहीं होगा। जब OH का अटैक होगा तो की पॉइंट व्हाट द चेंजेस, OH का अटैक जब होता है तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसकी वजह से अटैक कितना पॉसिबल है, दो साइड से पॉसिबल है, कितने परसेंट में, 50-50% में, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी कैसा रहेगा, दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स रहेंगे 50-50% विद देयर जो पोजीशन है, मतलब ज्योमेट्रीज जो होगी वो ज्योमेट्रीज कैसे होगी, एक दूसरे के अपोजिट में होगी। देखो OH ये फ्रंट साइड में है तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, बैक साइड में, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर इसको और भी अच्छी तरीके से बताना है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मिरर डाल देता हूँ। अगर मैंने इसमें मिरर डाल दिया तो व्हाट दे आर कंसिडर्ड एज अ, दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये यहां तक ही मैंने बताया, ठीक है, इसमें और भी एक कंसेप्ट आएगा आगे चल के, उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक ही ध्यान में रखिए कि जब भी आप SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हो, SN1 रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक नहीं मिलता है, दो प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है फ्रंट साइड अटैक से, दूसरा मिलता है बैक साइड अटैक से, और जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो कॉन्फिगरेशन इसे हमने कह देता हूं अभी, This is considered as a configuration. और ये configuration कैसे होगा? दो type का होगा। जैसे मैं इस तरह से कह देता हूँ, that is called as a retention. इसे इस तरह से लिख लेते हैं, that is considered as a retention of configuration. Retention of configuration मतलब जो original आपके पास में अलग अलग था, उसका ही configuration यहाँ पे आ गया, retain हो गया. Retain मतलब as it is, ठीक है? तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरा कैसे मिलेगा, उसके अपोजिट में, तो अपोजिट में तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इन्वर्शन। इसे क्या कहते हैं, इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब अगर बीआर यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो ये क्या, यहाँ पे क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये अगर फ्रंट साइड में है तो यहाँ पे वो OH जो आएगा वो कहाँ आएगा, बैक साइड में आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इन्वर्शन। तो ये भी कितना बन रहा है, 50%। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं विद द अपोजिट कॉन्फिग्रेशन। अपोजिट कॉन्फिग्रेशन मतलब एक बनेगा फ्रंट साइड वाला, एक बनेगा
बैक साइड वाला दैट इज कंसीडर्ड, जो फ्रंट साइड वाला बनेगा उसे कहेंगे सपोज रिटेंशन, जो फ्रंट साइड वाला नहीं लेकिन जैसे पोजीशन ऑफ बीआर एंड ओएच अगर सेम है तो उसे क्या कहेंगे रिटेंशन, और पोजीशन ऑफ बीआर और उसमें ओएच अगर अपोजिट जाती है प्रोडक्ट और उसमें तो उसे क्या कहेंगे इनवर्शन। ठीक है, तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, दूसरा होता है इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये किसमें पॉसिबल होता है SN1 रिएक्शन में, और SN1 रिएक्शन जनरली कौन देता है टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स देते हैं, क्योंकि टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स क्या बना सकते हैं स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट SN1 रिएक्शन। ठीक है, जब SN2 कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसको समराइज करेंगे, कैसे ध्यान में रखना है उसे भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में तब उसमें हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होता है, नोट करके रखना होता है, ताकि जब भी आप बुक में से पढ़ते हो कहीं से भी आपको अगर उसको रीड करना होता है तो वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरी इसमें जाते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 में इसमें हम लोग इसे कह सकते हैं नाइन, वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, तो टू का मतलब क्या होगा कंसिडर्ड एज अ बायमोलिकुलर। ठीक है, ये टू का मतलब क्या होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं कि SN1 में हमने बताया था यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर इस वजह से बताया था क्योंकि जो पहली बॉन्ड ब्रेकिंग वाली स्टेप थी वो स्लो स्टेप थी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप थी, जिसमें सिर्फ अल्किल हैलाइड मतलब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से हमने उसको यूनिमोलिकुलर बना दिया था। अब ये तो बायमोलिकुलर है, अब ये बायमोलिकुलर है इसका मतलब क्या हो गया, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप रहेगी, जो स्लो स्टेप रहेगी, जो स्लो स्टेप रहेगी उसमें हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स चाहिए, मतलब हमारे पास में जो रिएक्शन रहेगी उन दोनों के रिएक्टेंट्स हमें चाहिए। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें रिएक्शन लिख लेता हूं तो इस तरह से लिखूंगा CH3Br, देखो मैंने टर्शियरी नहीं लिखा, अब कौन सा वाला लिख लिया प्राइमरी। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड शोज व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, टर्शियरी अल्किल हैलाइड शोज व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर फिर से एक बार मैं OH नेगेटिव का अटैक करूंगा और यहां पे क्या बनेगा CH3OH बनेगा और क्या निकल जाएगा Br नेगेटिव निकल जाएगा। ये मैंने कंसिडर कर लिया यहां पे, ये है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये आपका बन गया मिथिल ब्रोमाइड, ये मिथिल ब्रोमाइड ये इस पर अटैक करके Br को क्या करेगा सब्स्टिट्यूट करेगा। चलो ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने अभी बताया कि इट इज व्हाट बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर मतलब ये दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड ऑल्सो द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए स्लो स्टेप में, तब हम बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CH3Br एंड OH नेगेटिव। चलो इनके सुपर स्पीड देख लो, यहाँ पे क्या होता है वन होता है, यहाँ पे क्या होता है वन होता है, तो इसका जो ठीक है इसको एक काम करते हैं, पहले ये कर देते हैं इज इक्वल टू के इनटू CH3Br एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो के का मतलब क्या हो गया, के का मतलब हो गया रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये का मतलब हो गया रेट कॉन्स्टेंट, फाइन। अगेन अब यहां पर देखो जैसे मैंने ये बताया था कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन SN2 में क्या होगा, देखो यहाँ का सुपरस्क्रिप्ट कितना है 1, इसका कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है दैट इज ऑफ 2, तो इसमें हम लोग अगर लिख सकते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहेगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे रहेगी इट इज 2, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जब यहां पर एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसपे सुपरस्क्रिप्ट में या फिर रेस्ट टू द पावर 1 होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहा जा सकता है, और यहाँ पे जब हम लोग दोनों के जो रेस्ट टू द पावर है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट्स है वो सुपरस्क्रिप्ट्स को अगर एडिशन कर लेते हैं तो वो क्या डिसाइड कर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर दोनों के रेस्ट टू द पावर कितना है 1-1 है तो ये क्या बन गया 1+1 2 बन गया, तो ये टोटल रिएक्शन कौन से ऑर्डर में चली गई सेकेंड ऑर्डर में चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ CH3Br पे डिपेंड नहीं है, वो OH पे भी डिपेंड है, तो उसको स्टेटमेंट में इस तरह से बता सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों जो रिएक्टेंट्स है दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे यहां पर रेट कैसा होता है वो डिपेंड होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज अगेन कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ SN
वन मतलब सॉरी एस एन टू मतलब बायमोलिकुलर टाइप ऑफ, ठीक है। अब मैकेनिज्म चेक करो, अब मैकेनिज्म में अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे ताकि वो और ज्यादा फास्टली आपको कंपैरेटिवली ध्यान में रह सके। जैसे मेरे पास में क्या है, देखो यहाँ पर है CH3Br, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले थे, बॉन्ड को ब्रेक करने वाले थे, लेकिन हमने क्या बता दिया अभी कि जो रेट होता है वो रेट किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, CH3Br और OH निगेटिव दोनों पे डिपेंड करता है। तो पहले स्टेप में हमें कौन चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझो OH निगेटिव लिख लिया और यहाँ पे क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। लेकिन अब सपोज OH निगेटिव नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, OH निगेटिव नहीं है और अगर मैंने ये CBr वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे जो बनने वाला कार्बो कैटायन रहेगा, ये इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, लाइक दिस H H H और पॉजिटिव। देखो पहले हमने CH3 लिखा था, अब मैंने H H H लिखा था, लेकिन ये जो C पॉजिटिव बन रहा है, ये C पॉजिटिव कौन सा कार्बो कैटायन बन रहा है, प्राइमरी, ये कौन सा है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ये C पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल। तो वो अगर अनस्टेबल बनता है तो वो CBr के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, नहीं करेगा, करेगा तभी करेगा, लेकिन अगर उसे कंफर्टेबली जैसे ही Br वहां से निकलेगा दूसरा कोई आके अगर उसको अटैच होता है तो वो Br को छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे कि अगर समझो मैंने यहाँ पे OH लिख लिया, ठीक है, OH निगेटिव लिख लिया, मतलब ये जो स्टेप है ये स्टेप हम लोग स्लो स्टेप कह सकते हैं, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। क्यों रेट डिटरमिनिंग है, इस पे से बता सकते हैं, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कौन आता है, दोनों आते हैं, दोनों अगर ये स्टेप में इन्वॉल्व है तो ये स्टेप कैसे बन गई, स्लो स्टेप बन गई, रेट डिटरमिनिंग बन गई, ठीक है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हमारे पास में दोनों अवेलेबल है, CH3Br भी अवेलेबल है, न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है। जैसे ही ये Br वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इमीडिएटली OH क्या करेगा, OH क्या करेगा, कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज CH3Br है और OH निगेटिव है तो ये OH इसको अटैच होगा, जैसे ही ये Br निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH बनेगा और Br निगेटिव। तो देखो जैसे ही Br निकलेगा इमीडिएटली कौन अटैक कर रहा है, OH निगेटिव, इमीडिएटली OH निगेटिव अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इसके इन दोनों के बीच में C पॉजिटिव बनने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। टेक केयर ऑफ दिस वन, SN1 रिएक्शन में हमने C पॉजिटिव बनाया था, कार्बो कैटायन बन गया था, यहाँ पे कार्बो कैटायन नहीं बनेगा क्योंकि एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में Br निकल रहा है और उसी स्टेप में OH अटैच हो रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेप में क्या नहीं बनेगा, कार्बो कैटायन नहीं बनेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस वन, नोट कर लो कि ये SN2 रिएक्शन जो होती है जनरली इसमें कार्बो कैटायन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अटैक जो होता है एट द सेम टाइम होता है जब लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाता है, मतलब ये जो होता है इसे कहा जाता है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाला, और ये जो OH निगेटिव है इसे कहा जाता है अटैकिंग ग्रुप, अटैकिंग ग्रुप मतलब जो उस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को फिर से एक बार मैकेनिज्म में लिखते हैं, देखो कैसे मैंने जो एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से H H H एंड दैट इज व्हाट Br, और यहाँ पे और कौन प्रेजेंट है, OH निगेटिव। जैसे ही Br बाहर निकलेगा OH यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा एंड दैट इज द केस, ठीक है। तो ये स्लो स्टेप है, इसीलिए मैंने स्टेप वन स्टेप टू नहीं लिखा है, क्योंकि स्टेप वन में क्या होगा, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, स्टेप टू में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें कैसे हो रही है, एक ही एक साथ हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये स्टेप वन है स्टेप टू है। हाँ ये बता सकते हैं कि स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, तो ये जो पहली स्टेप होती है, पहली स्टेप इन द सेंस ये वाली जो पर्टिकुलरली हमने बताई है ये कौन सी है, स्लो स्टेप है, जहां पर हम लोग उसका रेट डिटरमाइन करते हैं। अब देखो ये सी पॉजिटिव बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, अनस्टेबल, तो इसमें होगा क्या। तो अब दूसरी चीज ये आती है कि जिस तरह से Br बाहर निकलेगा क्या उसी तरफ से OH उस पर अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि Br जब बाहर निकलेगा तो Br किस तरह से बाहर निकलेगा, Br इन टर्म्स ऑफ निगेटिव चार्ज निकलेगा, ये भी कौन से चार्ज में है, निगेटिव, अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिसेंटर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होना जरूरी बनता है ताकि रिपल्शन कम हो जाए। तो Br अगर यहां से निकलेगा तो OH यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि Br उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो OH के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, देखो जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया डेल पॉजिटिव, अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, इट इज इन अ प्रोसेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि Br जब बाहर निकलता है तो देखो ये इस तरह से दिखाया जाता है,
दिस इज अ डॉटेड लाइन ओके एंड दिस इज व्हाट बी आर, इस पे क्या रहेगा पार्शियल नेगेटिव क्योंकि बॉन्ड प्रोसेस में है, बॉन्ड ब्रेक होने के प्रोसेस में है। अब बी आर अगर यहां से निकल रहा है तो OH कहां से अटैक करना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां से है ना, यहां पे लिख लेता हूं मैं OH दैट इज विद डेल नेगेटिव। तो बताते वक्त कैसे नहीं बताऊंगा, देखो ये बी आर यहां से निकल रहा है और OH कहां से अटैक करेगा, दैट इज फ्रॉम ओनली बैक साइड, फ्रंट साइड से अटैक करने की तो पॉसिबिलिटी 0% है। इसका मतलब इसमें अटैक जो होगा वो कौन से साइड से होगा, ओनली बैक साइड। SN1 में इससे पहले के मैकेनिज्म में हमने अटैक कैसे किया था, दोनों साइड से किया था, इसमें दोनों साइड से अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, इसमें परफेक्ट कार्बोकेटायन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखाया हमने ट्रांजिशन स्टेट में कि एक बॉन्ड क्या होने के प्रोसेस में है, ब्रेक होने के प्रोसेस में है और दूसरा फॉर्मेशन के प्रोसेस में है, दोनों चीजें एक ही साथ हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब ट्रांजिशन स्टेट को अगर प्रोडक्ट में निकाल लेते हैं तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, फास्ट होती है, और फास्ट में क्या होगा, ये रहेगा OH और ये रहेगा आपका H, H और H और ये निकल गया यहाँ से लिविंग ग्रुप एज अ बी आर निगेटिव। अब चेक करो यहाँ पे जो अटैक था वो एक ही साइड से पॉसिबल था, अपोजिट साइड से पॉसिबल था, तो नेचुरली यहाँ पे मिलने वाला जो हमारे पास में कॉन्फिगरेशन रहेगा है ना, मतलब स्ट्रक्चर जो रहेगा उस स्ट्रक्चर में जो पोजीशन बीआर की है वही OH की हो सकती है, नहीं, क्योंकि अटैक सिर्फ किस तरह से है, अपोजिट साइड से अटैक होने के कारण जहां पर बीआर की पोजीशन रहेगी उसके अपोजिट पोजीशन पे कौन आएगा, OH। तो यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्शन इन दोनों में से कौन सा कॉन्फिगरेशन रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहेगा, इन्वर्शन। रिटेंशन का तो रिटेंशन की तो बात नहीं आएगी क्योंकि OH फ्रंट साइड से अटैक या बीआर की साइड से अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। सो इट इज हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट। देखो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, हम लोग SN-SN रिएक्शन करते थे, ऐसा नहीं होता है, एज पर द रिएक्टिविटी और एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्किल हैलाइड इट मे अंडरगो द SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया दैट इज SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा एंड दैट इज व्हाट इन्वर्टेड प्रोडक्ट, याद है, ठीक है, फाइन। तो ये दोनों मैकेनिज्म बनते हैं किसके, SN1 और SN2 के बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, फाइन। तो SN1 और SN2 में जब हम लोग समराइज कर लेंगे तो वो और कंपैरिजन में थोड़ा ध्यान रखेगा, लेकिन ये समराइज करने से पहले आपको दोनों मैकेनिज्म्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना जरूरी है, तभी ये समराइज और जो पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं ये पॉइंट्स हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज SN1 और SN2, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, दिस इज कंसीडर्ड एज अ यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज अ बायमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये निकलना, उसके बाद में सेकेंडली हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो रेट होता है ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रेट पे, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं हम अल्किल हैलाइड के बारे में सोच रहे हैं तो दैट इज अल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे, कौन कौन रहेगा उसमें, एक सब्सट्रेट रहेगा, सब्सट्रेट माने कौन, अल्किल हैलाइड जिसपे हम लोग अटैक करने वाले हैं, और दूसरा कौन रहेगा, जो अटैक करने वाला है वो कौन रहता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो दैट इज वाई ये जो पर्टिकुलर है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इज इट ओके, फाइन। सो आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, द रिएक्शन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, यहाँ पे स्टेप कितने होते हैं, दो स्टेप में वो मैकेनिज्म होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं दैट इज ऑफ टू स्टेप मैकेनिज्म, ओके। और ये कितने स्टेप वाला बनेगा, ये वन स्टेप मैकेनिज्म बन जाएगा। तो ये टू स्टेप में हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या होता है टू स्टेप होता है, मतलब क्या होता है, यहां पर क्या होगा, दिस इज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कैसे होगा, सेपरेटली होगा, है ना, ये सेपरेटली होगा, मतलब पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन यहां पे यही चीज जो होगी दैट इज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कैसे होगा, साइमल्टेनियसली होगा, मतलब एक ही स्टेप, वन स्टेप बताया ना,
वन स्टेप में दोनों चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो हमने नेक्स्ट चीज बताई थी, जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो बॉन्ड ब्रेक होता है तो दैट इज द स्टेप वन, वही आरडीएस होती है जो क्या बनाता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन डू नॉट फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, डू नॉट फॉर्म इन टीएस लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टेबल कार्बोकैटायन इन द टीएस, ठीक है, फाइन। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर क्या होगा, देखो जब स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पे अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, आपके पास में यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ड्यू टू, ड्यू टू फ्रंट एंड बैक साइड अटैक, है ना। और यहां पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो फ्रंट साइड वाला होगा बैक साइड वाला होगा, वो तो डिपेंड करेगा उसके पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, बैक साइड एंड अपोजिट, ठीक है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग और एक लिख सकते हैं, कॉन्फिगरेशन कैसे बनेगा आपके पास में, टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशन बनेंगे, दैट इज रिटेंशन एंड इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कैसे रहेगा, ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये हमेशा कैसे रहेगा, इट इज इन्वर्टेड टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ये प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं हम, है ना। सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट विथ, प्रोडक्ट विथ रिटेंशन एंड इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन रहेगा ये कैसे रहेगा, ये कार्बोकैटायन कैसे रहता है, स्टेबल, ये स्टेबल किसकी वजह से रहता है, ये स्टेबल बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये मैं कंपैरेटिव नहीं लेकिन ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा कौन सा इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें तो बनता ही नहीं है कार्बोकैटायन, तो इसमें कोई चीज नहीं आती है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट एंड दिस इज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सो दिस इज व्हाट वी जनरली कंसीडर्ड एज, ओके। तो ठीक है, काम करते हैं, अगर टू स्टेप मैकेनिज्म दिखा है ना, तो टू स्टेप मैकेनिज्म में एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप कैसे रहती है, स्लो, एंड सेकेंड स्टेप कैसी होगी, इट इज अ फास्ट, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है ना। जो स्लो स्टेप होती है, द स्लो स्टेप दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, ये कैसी होगी, आर डी एस, ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो इसको नोट कर लो, ये चीजें समराइज करती है आपके SN1 और SN2 मैकेनिज्म को समराइज करती है, ठीक है।